स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ मुस्तान ब्लॉग। आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, वो है ये। हाँ, ये वीडियो मैंने देखी और मेरे दिमाग बहुत सारे सवाल आया कि यार लोगों ने कुछ नहीं किया क्या, आसपास लोग होते हैं, फोन चोरी हो रहा है खुले में, रिएक्शन नहीं था क्या लोगों का। इसलिए आज मैं आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन पर ही। हमारा चोर बनने वाला है हमारा भाई, ये सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और देखते हैं कि कोई रोकता भी है या नहीं, या अंदर का रिएक्शन होता है बाहर का रिएक्शन होता है। हम करने वाले एक डमी फोन हम लेकर आए हुए हैं। डमी फोन है, डमी फोन है हमारे पास, एक डमी फोन हमारा ये रहा, ये हम करेंगे इसको यूज करेंगे चोरी के लिए और देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन होता है, कोई रोकता है या नहीं, या अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है। तो देखते मेट्रो आ गए तो फटाफट चलते हैं ब्लॉक के। वीडियो बनाने से लोग रोक रहे हैं बट हम रुकेंगे नहीं, पूरा क्रू रेडी है। सो गाइस हमारा कैमरा मैन स्टूडियो रेडी हो गए हैं, दोनों चोर भी रेडी हो गया है, उनको दोनों रेडी यहाँ पे, और हम थोड़ा छुप के ही काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता ना चले। और मेट्रो भी बस आने ले, 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 मेट्रो भी आई गई। चलो भाई रेडी हो गया। कौन था? अबे सबको समझ आ गया यार, क्या बनाया तुमने, सबको समझ आ गया। इसमें क्या कर सकता हूँ भाई यार, वो हंस गया भाई, एक्टिंग ही नहीं हो पाई। सॉरी भाई, क्या यार घटिया एक्टिंग, एक लेवल एक्टिंग नहीं होता। गाइस ये भी फेल हो गया, इस तो लोग समझ गए यार, लोग बहुत चला के हमारे इंडिया के। कैमरा कैमरा दिख गया भाई, कैमरा समझ गए लोग थोड़ा सा। अगले मेट्रो में थोड़ा पीछे जा, ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। चलो कोई ना, तब भी इसने करा फिर से एक बार ट्राई करेंगे। और वो बातें कर रहा है भाई, वो बातें कर रहा है, चोर बातें कर रहा है। चलो एक बंदा तो प्रैंक के अंदर आ गया था भाई, डर गया, एक आ गया था, कौन डर गया, एक बंदे को तुमने फंसा लिया था, एक्टिंग बड़ी अच्छी कर, उनको बुला लेते हैं वापस। बातें कर रहा है भाई वो, वैसे खड़ा कैसा हो रखा है वो, आगे खड़ा कैसे बैठा है ऐसे, अरे क्या हाल है, बढ़िया ऐसे प्यार से खींच रहा है, दे दो भाई इतने प्यार से, तो घर वाले नहीं खींचते फोन भाई, खींच भाई एग्रेशन दिखा। ऐसे आपने आपने कैसे पता करा कि ये फेक है वीडियो? भाई पहले मैं देख चुका हूं ना। अच्छा मेरी वीडियो देख चुके हो? अरे भाई सब्सक्राइबर, क्या हाल है चोर भाई, प्रैंक हो गया। कुछ रिएक्शन आया था वहाँ पे? हाँ भाई आया था। लड़की का आ गया था उसमें? किस लड़की का? जो तुम्हारे साथ? हाँ उनका तो, उनका तो बहुत तगड़ा आया है। ये देख, ये देख भाई, रुक इसका देख, रुक मैं ज़ूम करके, असल में सब्सक्राइबर मिल गया ना भाई, इसका बहुत सही रिएक्शन आया भाई, ये मेरे को देख 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 अभी मेरे देख, रुक रुक रुक, जब अरे लॉन्डो का भी आया है, लड़के का भी आया है और अंकल भी, उनका भी आया है, जब जब फोन चिंता है ना, देख 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 रही है, ये समझ गई लड़की कुछ है। हाँ हाँ देख देख देख, अब देख अब कैसे हाथ वाथ मारेगी। हाँ देख देख ना, बढ़िया करना इस बार फाइन। गाइस अगर वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अपने लोगों का सामान होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए लोगों को। तो गाइस यहाँ पे हमारे चोर भाई है, फोन लेके भाग रहे हैं। अरे फोन छीन गया भाई आपसे, बटन दबाओ भाई।
सिले बटन है भाई भाई अब क्या दबाऊं बीच में कि चीजें किस में बोलेगा और उससे ना उसमें कैमरा हो कैमरा वो भी चारों में मेट्रो पकड़ के देखो अपने सिस्टम उतर जा भाई सीढ़ी भी तो है ना हां सीढ़ी कौन सा है हां भाई फोन ले गया हां भाई तो भाई सुन चीज कैसे As you can see guys, I have the phone and sadly it's really sad to see. No one has reacted yet, huh? Nobody even tried to stop me or whatever. मतलब भाई किसी को पड़ी नहीं दूसरे की मतलब दूसरे के साथ क्या हो रहा है बट पीपल से कि दिल्ली में सब लोग अपने काम से काम रखते हैं दिस इज व्हाट हैपेंस इन द स्ट्रीट दिस इज व्हाट हैपेंस एवरीवेयर दिस इज दिल्ली फॉर यू आप लोगों से कहता हूं अगर कोई दिल्ली में है या कोई आप दिल्ली आना चाहो तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखें अपने आप को पहले ना ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ किसी और को बचाने से पहले खुद को बचाओ यहां पे आपकी कोई हेल्प करने वाला आने वाला है नहीं वो यहाँ पे कम से कम कुछ भी अगर कुछ होगा अभी करता हूँ हाँ तुरंत पहले यहाँ हम लेट कर दूंगा काट दे तो वीडियो गाइस हमने कर दिया प्रैंक अभी बहुत लोगों का मैं टेंशन मिल गया था बहुत लोग हमारे साथ बाहर तक आ गए कुछ लोगों ने हेल्प भी करी और बताया भी कि भाई कोई कह रहा था रस्सी खींच दो लाइन खींच दो वो मैं करना नहीं चाहता था भाई क्योंकि वो करने पे हजार रुपए का जुर्माना और जेल वेल भी हो सकती है तो वो मुझे करना नहीं था मैंने रोक रहा था तो बट एक बार समझ आ गई अगर किसी का फोन चोरी हो रहा है मेट्रो में कुछ नहीं कर सकते आप कुछ नहीं कर सकते क्या कर सकते हो भाई कुछ नहीं कर सकते रस्सी क्या खींचोगे रस्सी खींचोगे तो वो भग भी जाएगा बंदा भाई तो भाई सिंपैथी थोड़ी मिलेगी सिंपैथी देते हैं सिंपैथी उतर जाओ बस कुछ तो गाइस कुछ नहीं हो सकता अपने फोन का हिफाजत रखो क्योंकि मैं जब था लोगों का रिएक्शन आया लोग मुझसे बोल रहे थे भाई बस वो यही बोल रहे थे कि भाई ये क्या हो गया कौन सा फोन था क्या था कितने का था बिल है ये करो वो करो भाई हेल्प करने कोई नहीं आता तो गाइस एक तो रियलिटी मिल गई और हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट करा था और सोशल एक्सपेरिमेंट में हमारी सोसाइटी तो फेल हो गई और वो फेल क्या वो चाकर भी कुछ नहीं कर सकते थे वो हाँ चोर से बंदे डरते है ना उनको कैसा रिएक्शन मिला अरे सही हुआ क्या हुआ भाई एक नंबर स्मूथ पागल हो गए हमने पूरी वीडियो देख ली इसका भी रिएक्शन देख लिया मेरा भी रिएक्शन देख लिया अंदर का भाई है मैं बता दूंगा आपका फोन चोरी होता है भाई कोई कुछ नहीं कर सकता लोग आपकी थोड़ी मदद करेंगे मेरी भी लोगों ने मदद करी मैंने बोला फोन देना एक बार मुझे कॉल करनी है अपना फोन दे दिया दो लोगों ने फोन बनाया मैंने एक का मदद पकड़ ली और फोन कर रहे थे मदद कर रहे थे बट चाहे चाहे भी कुछ कर नहीं सकते बटन दबा दो बटन दबाओगे तो फिर भाई बंदा तब भी नहीं मिलेगा चोरी कर रहा था तुझे किसी पुलिस ने पकड़ा कुछ कुछ नहीं भाई मैं स्मूथली चलाऊं किसी ने कुछ नहीं बोला लोगों ने देखा भी तुझे हाँ भाई तीन चार लोग देख रहे थे भाई अपने काम से ऐसे आ रहा हूँ मैं चल रहा हूँ ऐसे देखता है मेरे को चोरी करते देख भाई बोल रहा हूँ भाई देख लो लोग डरते हैं क्योंकि इस बंदे ने आराम से फोन निकाला आया बात बात कर रहा वीडियो भी बनाई है इसने वहाँ पर और किसी बंदे में दम नहीं कुछ बोले पुलिस वाले सीसीटीवी लगे हुए हैं आपको लगता होगा देख रहे होंगे लगता भाई कुछ नहीं मिलता और फोन गया तो गया तो अपने चीज की खुद ध्यान रखो और किसी के साथ ये प्रॉब्लम करना चाहिए खत्म मुस्लिम नहीं और आप देखते मुस्लिम ब्लॉग तो चलिए खत्म करते हैं।